सो परी महल के अंदर हम आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। ये जो जगह है ये कैद खाना है। कैद खाना है? हाँ। यहाँ से काफी अच्छा व्यू आ रहा है डल लेक का, ये वाले पॉइंट से, और ये नीचे पूरा वो सामने उधर श्रीनगर सिटी है। श्रीनगर, श्रीनगर में शिकार राइड करने के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी हमें अट्रैक्शन लगी वो थी परी महल। परी महल सुन के तो ऐसा लगता है कि जाएंगे और परियां ही परियां होंगी और हमारा वो स्वागत करेंगी, बट परियां तो हमें वहाँ दिखी नहीं। बट हम वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ ब्यूटीफुल गार्डनिंग थी और बहुत ही खूबसूरत बाग था। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप भी इसको अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। सो चलिए लेके चलते हैं आपको कश्मीर के इस खूबसूरत बाग में जिसका नाम है परी महल। सो यहाँ परी महल आए हैं अभी हम, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन परी महल थी तो यहाँ पर आए हैं और चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। परी महल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अंदर बाग की इतनी खूबसूरत फूलों की खुशबू आ रही थी कि वो मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत खूबसूरत खुशबू थी। फ्लावर्स हैं यहाँ पे, गार्डन है, गार्डन बहुत सुंदर है। यहाँ से नीचे डल लेक का भी व्यू है, काफ़ी अच्छा। शाम को विजिट करने वाली जगह है वैसे ही। सो परी महल के अंदर हम आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से श्रीनगर सिटी का भी, और गार्डनिंग बहुत अच्छी हो रखी है इस महल के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने गार्डन देख सकते हैं कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है। नीचे वो डल लेक है, वहाँ पर वो श्रीनगर सिटी है, पर्पल, हाँ उधर पर्पल फ्लावर्स भी हैं और चारों तरफ इसके पहाड़ ही पहाड़ हैं छोटे छोटे, और वो डल लेक का व्यू यहाँ से आ रहा है। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है डल लेक का, ये वाले पॉइंट से, और ये नीचे पूरा वो सामने उधर श्रीनगर सिटी है, और ये डल लेक का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ये फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं बट मेरे को नाम नहीं पता। चलो बंद करो, बंद करो। और ये महल है, सो फोर्ट के सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं अभी हम, और यहाँ भी गार्डन है और काफ़ी सुंदर है। ये जो जगह है ये कैद खाना है। कैद खाना है? हाँ। आपको किसने कहा? वो जो आगे जा रहे थे दो लोग, उसमें लिखा था कि ये कैद खाना है, ये छत का रास्ता है। सो हम ऊपर वाले सबसे टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं, यहाँ से सामने का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। बेसिकली ओ ये ग्रास कैसी है, ये ग्रास देख, ये प्लांट देखो नकली लग रहा है, असली है? मगर है असली। ये पर्पल कलर के फ्लावर्स ये भी कम देखने को मिलते हैं यहाँ से। नीचे का व्यू ये देखिए, ये पर्पल कलर के कुछ, सॉरी ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। फर्स्ट टाइम देखे मैंने भी। अगर आपको गार्डनिंग का शौक नहीं भी है तब भी आप यहाँ जरूर आइए, क्योंकि यहाँ की जो खुशबू है वो बहुत ही अलग है, और ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे फूल देखे जो पहले कभी नहीं देखे थे। सो वो आपका फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर जिस पे हम खड़े हैं वो ऊपर फोर्थ फ्लोर है, और यहाँ पे सारी गार्डनिंग है। फर्स्ट फ्लोर पे भी गार्डनिंग है, सेकंड पे भी गार्डनिंग है। फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं। यहाँ से मेन एंट्रेंस है एंड सामने से आपको बहुत अच्छा सीनिक व्यू दिखता है श्रीनगर का, बहुत अच्छा डल लेक,
वो डल लेक है, वो पूरा उधर श्रीनगर सिटी है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। आ सकते हो आप इधर आराम से, एक घंटा स्पेंड करो, शांति मिलेगी काफ़ी। सब देख सकते कितने ब्यूटीफुल रोजेज हैं। सो आज का वीडियो यहाँ तक ही। आपने देखा कि हम कैसे शिकारा राइड करी और परी महल आए। बहुत अच्छा है यहाँ का, आप विजिट कर सकते हैं परी महल भी अगर आपको रोजेस पसंद है तो। इस खूबसूरत बाग के सफ़र में अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी और भी रोड ट्रिप्स एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि लद्दाख रोड ट्रिप, जैसलमेर रोड ट्रिप, अमृतसर रोड ट्रिप और हिमाचल रोड ट्रिप। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, प्लीज़ जाके चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।